Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came. Devina and welcome back to my channel, The Hapiness Cocktail. So guys, how are you doing, you guys? And thanks a lot for tuning in to my channel. So guys, first time I'm going to do this video, which is like dedicated on a weekend vlog, how my weekend looks like. So guys, मतलब मैं अगर आप लोग जानते नहीं है तो I'm working on IT company, 9 to 5 job होता है, Monday to Friday और Saturday Sunday ही मिलता है सब कुछ करने, YouTube करने, घर को ठीक करने सब कुछ. तो वो मैं सारा कुछ करने वाली हूँ इस बार और आपको अपने साथ भी लेके जाने वाली हूँ क्योंकि as in we are family, so we have to share this thing as well, ki how what I'm doing on weekend and what you guys are planning on weekend. So that's what my today's video all about. So guys, if you are new to my channel, then please consider subscribing. That means a world to me. And I make videos related to travel and lifestyle. अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं और अभी तक अच्छे लगे हैं तो please consider subscribing and don't forget to press that bell icon as well. So guys, मेरा weekend बहुत ही ज़्यादा busy जाने वाला है इस बार क्योंकि last दो weekend मैं घूम रही थी. Weekend कहीं भी कुछ का plan नहीं है. So मुझे video film करनी है, दो videos on priority है. तो वो मैं कल परसों में करने वाली हूँ. सो अभी का जो ये प्लान है कि अभी आप देख रहे हो, मैं अभी ऑफिस से आई हूँ और अभी थोड़ा चिल टाइम है मेरा. इट्स अराउंड 7:38 o'clock. तो ये मेरा टाइमिंग होता है, मैं ऑफिस से आती हूँ. और आज विपिन नहीं है घर में, तो ही वेंट फॉर हिज ऑफिस आउटिंग. सो इट्स अ टू डेज ट्रिप, सो ही विल बी गोइंग टू रिटर्न टुमारो. सो दैट्स वॉट. एंड नाउ आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस. तो मेरा एक और फ्रेंड है कॉलेज का, वो भी आ रहा है, तो हम लोग बहुत सालों बाद मिलने वाले हैं. सो इट विल बी गोइंग टू बी ऑसम टाइम. और ये सब में चले जाएगा, तो वो सब तो ऐसा ही है, उसमें कुछ नहीं है. तो मतलब मैं वो सब फिल्म नहीं करने वाली हूँ. सो दैट्स वॉट माई टूडेज प्लान इज. एंड अभी मुझे भूख लग रही है क्योंकि मैं दोपहर में लंच करी हूँ, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ. तो मैं जल्दी से कुछ अपने लिए ओट्स वगैरह कुछ बनाती हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है. सी यू आफ्टर सम टाइम. My soul needs a sound loud enough to quiet the thunder. In love with no doubt, and now I'm never gonna. अपने घर वापस आ गई हूँ अपने फ्रेंड के घर से. कल बहुत ही अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया. मतलब मेरे दो फ्रेंड्स के साथ मैं थी. तो मैं अभी घर बहुत ज़्यादा अच्छे से ठीक ठाक करने वाली हूँ क्योंकि सैटरडे मेरा इसी में जाता है कपड़ा धोना. कपड़े ऑलरेडी धुल चुके हैं, मैं उसे निकाल के रख चुकी हूँ बेड पे और मुझे अभी उसे प्रेस करना, वो जो घड़ी होता है ना वो करके बस सेटल कर लेना है. मैं अभी बालकनी में मेकओवर करने वाली हूँ और मेरा वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है. मैं सोच रही थी कुछ एक दो चीज़ें और हो जाए उसके बाद मैं करूँ. तो यस गाइस, मेरा हॉस्टल भी जल्दी आने वाला है. I was ready to slow down before you came round. I was heading for it. मैंने कुछ ऑर्डर भी किया था नाइका से जो आया है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसका रिव्यू भी डाल ही देती हूँ कैसा है. मतलब अभी यहीं पर क्योंकि ये बहुत चार पांच चीजें हैं तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली हूँ. सो दैट्स वॉट हाउ इट इज. और फिर मैं मतलब सबसे पहली चीज मुझे तो चाहिए थी ये मामा अर्थ का ऑप्टन फेस पैक है. ये कितने का है? 499 का है, 500 रुपीस का. और इसका मैं अभी तत्काल में आप लोगों के सामने इसका रिव्यू करने वाली हूँ कैसा है. ये मेरा बिल्कुल नो मेकअप वाला फेस है, तो देखते हैं. और इसके साथ ये दे दे, बहुत जरूरी है, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, मैं उंगली से लगा दी थी. लेट्स ट्राई इट आउट नाउ. सो ये इस तरीके से दिखता है. इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा बड़ी है फर्स्ट ऑफ ऑल. और बेस्ट बिफोर मई 2021 तक ये वैलिड है, उससे पहले ही मैं इसे खत्म करने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फेस पैक लगाती हूँ आजकल. आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे पिछले दो तीन हॉल वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज डू चेक इट आउट. मैं यहाँ लिंक डाल दूंगी उसका, देख लीजिएगा. तो क्योंकि मैंने जीवा का बहुत सारे ब्रांड का ट्राई किया है तो आपको उसका आइडिया मिल जाएगा एक, अगर आप देख रहे हैं तो. इसका मैन्युफैक्चरिंग जून 2019 है और बेस्ट प्रोडक्ट है मामाअर्थ की. ये एरविन और सिलिकॉन फ्री है, पॉजिटिव है, रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज. सो मामाअर्थ जो है ये बहुत ज्यादा हाइप ब्रांड है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि लोग इतना ज्यादा इसके बारे में बोल रहे हैं. तो लेट्स डू ट्राई आउट. और मैं बिल्कुल एक्चुअल वाला सही वाला रिव्यू देने वाली हूँ.
और नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने जो ऑर्डर किया वो ब्लू हेवन का ये आई शेडो पेंसिल है. ये बहुत ही सस्ता पड़ रहा था तो मैंने मुझे आता नहीं है तो मुझे सीखना है, इसके लिए मैंने ऑर्डर किया. ये 75 रुपीज का, मुझे 66 रुपीज में ये पड़ा. तो मैंने इसका पिंक कलर और पिंक ग्रीन और येलो कलर ऑर्डर किया और इसका मैं बहुत अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ. और सेकंड प्रोडक्ट मैंने जो ऑर्डर किया था वो ये मेबेलिन का मस्कारा है. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि अभी नायका ने लॉन्च किया है विथ मसाबा, मतलब कल ही लॉन्च हुआ है और मैंने ऑर्डर किया और एक दिन में मुझे डिलीवर भी हो गया. सो दैट इज वेरी नाइस टू नायका. और मैं ये बोल रही हूँ, चाह रही हूँ कि मैंने इसका ये जो मसाबा का जो लिपस्टिक का मैंने फुल रिव्यू करा हुआ है अपने अपने चैनल पे. सो अगर आपको उसको चेक करना है तो मैं लिंक यहाँ डाल दूंगी, आप उसे डू चेक इट आउट देयर. ये कैसा है लास्ट क्या, ये कैसा है, इसका पैकेजिंग कैसा है, सब कुछ. और मैं अभी बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ कि ये कैसा है, क्योंकि मैं उस वीडियो का आपको मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें. नेक्स्ट थिंग जो हम अब आपके सामने मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है ये ओपन फेस पैक. लेट्स डू ट्राई इट आउट. ये बहुत ठंडा लग रहा है. सो अभी हम लोग आ गए हैं मॉल में क्योंकि कल मैं येलो ईटिंग चैलेंज करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. और वो अभी तक ऑलरेडी अप हो गया होगा मेरे चैनल में, तो मैं लिंक डाल दूंगी, प्लीज उसे देखिएगा. और मैं अभी येलो कलर के खाने ढूंढ रही हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है. गाइस हम लोग अभी 12:30 हो रहा है और जजमेंटल अभी हम लोग खत्म करके आए हैं. और इतनी ज्यादा वो हॉरर मूवी है ना, सबसे पहली चीज मतलब तो थोड़ी डार्क कॉमेडी है और सीरियसली मतलब बच्चों के साथ ना देखें हम लोग यही बोलेंगे. और मतलब देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट तक जाती है स्टोरी, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस. मतलब मजा आया, फन था, थोड़ा बोर लगा बट ठीक है, अच्छा है, मतलब अच्छा है, देख सकते हैं. हे गाइस, सो टुडे इज संडे और मेरा संडे ऐसा होता है कि मैं वीडियो फिल्म करती हूँ या एडिट करती हूँ, तो मेरा संडे ऐसे ही जाता है मोस्टली. और कल आप लोगों ने देखा कि हम लोग मूवी पे गए थे, तो वही होता है, कहीं जाते हैं या थोड़ा कुछ ऐसा बाहर जाके आ जाते हैं. सो दैट्स व्हाट. और मैं भी वीडियो फिल्म कर रही हूँ कि येलो फूड चैलेंज वो चल रहा है मेरा, वो ऑलरेडी अप है मेरे चैनल पे. और अगर आपको देखना है तो लिंक यहाँ होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा, सो डू चेक इट आउट. और एक और वीडियो मैं फिल्म कर रही हूँ, दिस मसाबा का रिव्यू मैं सुबह से इसको वेयर करी हूँ. और आपको पूरा अगर जानना है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो भी ऑलरेडी अप है. ये थोड़ा मेरा बाद में अप करने वाली हूँ मैं, क्योंकि जो ट्रेंडी वीडियो होते हैं, नए लॉन्च होते हैं, हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि इसको पहले करूँ ताकि लोगों को इंटरेस्ट रहे. सो लेट्स सी हाउ इट विल गो. सो या गाइज, नाउ आई एम एडिटिंग एंड यू विल सी हाउ आई विल एडिट. हे गाइज, सो मैंने वीडियो फिल्म कर लिया है और जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है, एज यू कैन सी हियर. ये मेरा भुवनेश्वर का पार्ट टू है जो मैंने अभी ही एडिट किया है और अभी मैं अपलोड करूंगी थोड़ी देर में, तो वो भी आपको दिखाऊंगी मैं कैसे अपलोड करती हूँ. सी गाइज, मेरा वीडियो जो हो चुका है कंप्लीट और मैं अब इसे अपलोड कर एक मिनट तो अब मैं इसे अपलोड करने वाली हूँ यूट्यूब पे, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी साथ में कि मैं कैसे अपलोड करती हूँ. मैंने अभी सबसे पहले अपना जो मैं फोटो डालने वाली थी थंबनेल के लिए उसको मैंने एडिट कर लिया है. और फॉर एडिटिंग आई यूज स्नैपसीड एंड दिस इज द थंबनेल आई एम थिंकिंग टू पुट. हाउज इट, प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो. दिस व्हाट आई प्रेफर टू डू इज जब मेरा वीडियो मतलब हो जाता है सब कुछ, तो मैं एक बार उसे फिर से रीचेक करती हूँ कि सब कुछ सही है कि नहीं, वॉइस एंड ऑल. अब मैं कैनवा में गई हूँ, जैसा आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सर्च करूंगी यूट्यूब थंबनेल. सी यहाँ आ गया यूट्यूब थंबनेल. अपलोड में जाऊंगी और एक अपलोड करूंगी इमेज. सबसे पहले हम टेम्पलेट देखते हैं कि कैसा टेम्पलेट अपन को चाहिए. सेकंड सी ये बंच ऑफ टेम्पलेट्स आ गया. गाइस सो सॉरी, मैं भूल ही गई कि वीडियो कैसे अपलोड करते हैं दिखाना, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी में थी और मेरा दिमाग पूरा उसी में था. अगर आप यूट्यूबर हैं तो मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि इतना मतलब सीरियस होना पड़ता है उस मोमेंट में कि सब कुछ ठीक से जा रहा है कि नहीं, टैग ठीक से है कि नहीं. सो अगर आप रिलेट करते हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो. सो गाइज, वही चल रहा है मेरी लाइफ में अभी. अभी का मेरा काम मोस्टली पूरा कंप्लीट हो चुका है. मैंने मोस्टली मतलब दो वीडियो कंप्लीट हो गए हैं, एक वीडियो और मुझे फिल्म करना है अभी. सो ये सारी चीज़ें हैं. एक अपलोड हो गया है, मैं अभी सोच रही हूँ मैं अभी जो वीकेंड वाला मेरा व्लॉग है जो अभी आने वाला है अभी ट्यूसडे को, तो मैं उसे एडिट भी कर लूँगी आज,
क्योंकि एडिट में मतलब एडिट में सबसे ज्यादा टाइम लगता है गाइस. फिल्म करना एक एक डिफिकल्ट पार्ट है, उसके बाद जो एडिट करने की चीजें उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है. सो मुझे वो सारी चीजें टेक केयर करनी है. सो या गाइस, मतलब बहुत अच्छा था याला वीकेंड. आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस एंड आई मेट देम आफ्टर सो लॉन्ग टाइम. आई थिंक 1.5 ईयर्स आके से मिली थी मैं, तो वो बहुत अच्छा मेरा मजा आ गया, मतलब अच्छा टाइम था. और कल फिर दिन भर काम किया, सैटरडे घर ठीक किया, फिर आज कल का दिन ये था और आज संडे को मैंने पूरे अपने यूट्यूब रिलेटेड काम किए हैं, जो भी मेरा पेंडिंग वर्क था इतने दिनों से, जो वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट किया है. सो या गाइस, संडे वॉज अ वेरी प्रोडक्टिव डे फॉर मी. सो गाइज, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट नोटिफाइड ऑल द टाइम. आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. बाय बाय, लव यू ऑल, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय.